स्टोरी की एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ सोनिया शहजाद खान। यूआईटी के चमकते सितारों से मिलवाने का ये सिलसिला जारी है और आज भी हमारे साथ यूआईटी के एक बड़े कामयाब तरीन पर्सनैलिटी मौजूद हैं, उमर गिलानी साहब। ये सफर इन्होंने किस तरह से तय किया और जो उनका 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे, हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे। तो मैं वेलकम कहूँगी आज के इस लाइव सेशन में उमर गिलानी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपको? अल्लाह करम सर। तो थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपका करवाया, बड़ा सा इंट्रोडक्शन आप अपना करवा दें। बिल्कुल, हमें तो अपने यूआईटी के वो दौर याद है जब हमारा इंट्रोडक्शन हमारे रोल नंबर से हुआ करता था। तो वो तमाम दोस्त जो हमसे थोड़े कम जूनियर थे और सीनियर ज़्यादा दोस्त थे हमारे, तो उनके लिए मेरा रोल नंबर है 99A66CS। ये मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि उमर गिलानी साहब को 19 साल हो चुके हैं यूआईटी से, जो है वो पास आउट हुए और माशाल्लाह इनको रोल नंबर और सारी चीज़ें तक याद है आई थिंक। तो माशाल्लाह तारीफ करना बनती है आपकी मेमोरी की। अच्छा सर, बातों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से स्टार्ट किया आपने अपने सफर का आगाज, किस तरह से किया? आपका बीई मेरे ख्याल में सीएस में था, उसके बाद आपकी पहली जॉब और फिर किस तरह से इन सब चीजों का आपने हैंडल किया? तो एक साल हमें भी इंजीनियरिंग के फौरन बाद हमें भी जॉब नहीं मिली, मगर उसमें हमने ये किया कि आई स्टार्टेड यू नो डॉक्टर फॉर अ वेरी डिफरेंट अल्टरनेट फील्ड जो कि एंटरटेनमेंट की फील्ड है। आई जॉइन इंडस म्यूजिक एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर। तो एक प्रोग्राम आता था आई एम रिक्वेस्टेड एक जमाने में, तो उसका मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, उसमें 6-7 महीने काम किया। देन आई जॉइन हम टीवी एज अ प्रोड्यूसर जो बैक एंड पे प्रोडक्शन साड़ी देखता है, और विद इन अराउंड कुछ टाइम के अंदर जो है वो काम समझने आने लग गया और सब चीज़ें हो गई। मगर हमेशा से ये था कि इंजीनियरिंग की भी है तो मुझे याद पड़ता है कि मुझे ऑफर आई साइबरनेट से। साइबरनेट इज अ लेक्सन ग्रुप ऑफ कंपनीज की है, इज अ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट आईएसपीस टाइम पे। तो मुझे वहाँ पे ऑफर आई और मैं इंटरव्यू के लिए चला गया। तो आई जॉइन देम विद इन अ वीक, मैंने बिल्कुल नोटिस पीरियड सब नहीं किया और डेफिनेटली वो ड्रीम पूरी हो गई कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी फील्ड में हुआ। तो वहाँ मेरी फर्स्ट जॉब जो थी वो एज अ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव थी, एंड वहीं से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। और आई वर्क इन साइबरनेट फॉर ऑलमोस्ट 13 to 14 years, और एंड आई लेफ्ट देम एज अ AVP एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट सेल्स। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैं एज अ सीनियर मैनेजर प्रोजेक्ट भी रहा, उसके बाद फिर सेल्स में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है, करंटली उमर साहब आप इस वक्त जो है वो ट्रांसफर के साथ एसोसिएटेड हैं, तो इसके साथ आपका एक्सपीरियंस और कितने इयर्स हो गए यहाँ पर काम की नौीयत क्या होती है? डिवीजन को मैं बेसिकली हेड करता हूँ, वो है एज अ कंज्यूमर डिवीजन। फ्रॉम पास 6 years मेरी थोड़ी सी डाइवर्जन कॉर्पोरेट साइड से कंज्यूमर साइड में कन्वर्ट हुई है। तो जिसके अंदर मैंने जो जिसको आप FTTH बोलते हैं, GPON बोलते हैं, जो फास्ट ब्रॉडबैंड है फाइबर ऑप्टिक्स का, उसको हम कंज्यूमर एंड पे प्रोवाइड करते हैं। तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर हमारी अच्छी खासी बड़ी कस्टमर बेस है और वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम बैंडविड्थ प्रोवाइडर्स। इसमें आप टेलीविजन सर्विसेज भी आती हैं, आपकी हाई HD सर्विसेज होती हैं, टेलीफोन लाइन है, इसको आप आम जबान में कंज्यूमर के अंदर बोलते हैं ट्रिपल प्ले सर्विसेज, जो अक्रॉस द वर्ल्ड हर किसी के पास होती है, तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अच्छा, तो आई थिंक ये टेलीकम्युनिकेशन की तरफ चला जाता है। बिल्कुल ठीक है, तो टेलीकम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या आपकी गाइडलाइंस है कि किस तरह का कोर्सेज करने की कुछ ज़रूरत है या अपने 4 साल कंप्लीट करने के बाद उन्हें किस तरफ जाना चाहिए कि वो एक अच्छी एक तो जॉब ले सकें, उसके बाद आगे भी उनके कामयाबी के मौके हैं? आप जिस फील्ड में अपनी बैचलर्स करते हैं आप उसके साथ स्टिक हो जाते हैं, आपका माइंड जो है वो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने BS किया है तो आपने बस दिमाग में यही सोचा है कि मैंने BS से या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही जॉब लेनी है। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि अपने माइंड को ओपन कर दो, आपकी इंजीनियरिंग आपकी बैचलर सिर्फ एक बेस है, अब
जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने आप को डाइवर्ट करें, आप टेक्नोलॉजी माइंड लेते हुए आप अपने आप को यूटिलाइज करें डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, क्योंकि जो एक इंजीनियर होता है जिसके बारे में हमेशा बोलता हूँ कि इंजीनियर हर काम कर सकता है, तो उसके साथ यही है कि आप टेक्निकल माइंड आपका ओपन हो चुका होता है, आपको चीज़ों की फंक्शनैलिटीज के बारे में पता होता है और आप उसके बाद टेक्निकल सेल्स साइड पे हैं। तो मैं लोगों को अच्छा बोलता हूँ कि जैसे सेल्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज आप देखिएगा अक्रॉस, कभी अगर आप भी किसी जॉब हंटिंग वेबसाइट पे जाएं तो आपको वहाँ पे सेल्स की जॉब्स अक्रॉस ग्लोब आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगी, और उसमें वो उन्होंने लिखा होता है कि आपके एज ए इंजीनियर चाहिए, टेक्निकल बेस चाहिए। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स वगैरह को बोलता हूँ कि अपने आप को टेक्निकलिटी तौर पर दे सकते हुए प्रोफेशनली आप सेल्स में आए, आप और ऑपरेशंस की जॉब पे जाएं, आप ज़्यादा जो है ना वो इफेक्टिव होंगे ज़्यादा देन एक आदमी जिसने भी ऑपरेशन की जॉब की प्रैक्टिस की हो। सही, तो सेल्स की तरफ किस तरह से आ सकते हैं फिर, मतलब ये तो मुझे सुनने में भी एक लग रहा है बिल्कुल डिफरेंटली कि आपने। देखिए मैं एक सेल्स में किस तरह आया जाता है, देखिए मल्टीपल ISPs जो हैं वो अक्रॉस ज़्यादा इंजीनियरिंग पोजिशन इतनी ओपन नहीं करती जितनी सेल्स पोजिशन ओपन करती है। अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूँ तो मेरे पास मंथली कोई 7 से 8 ऐसी पोजिशंस हैं जो कि सेल्स में ओपन होती हैं, और इंजीनियरिंग में कभी साल में कोई 5 से 6 पोजिशन आती हैं, तो कितना बड़ा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट डबल डिफरेंस। और अगर से मेरी ISP नहीं तो इस अक्रॉस पाकिस्तान सब सारी ISPs में सेल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है कंपेयर टू इंजीनियरिंग। तो इसके अलावा डिफरेंट फील्ड्स हैं। नहीं तो बेसिकली क्या फ्रेश जो ग्रेजुएट्स होते हैं क्या वो इस तरफ आ सकते हैं कि अपना बी कंप्लीट करते ही फौरन तो सेल्स की तरफ अगर आना चाहें, चाहे उन्होंने कंप्यूटर साइंसेस में किया हो, टेलीकम्युनिकेशन में किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए मेरे पास तो जो हमारी कंपनी है उसके अंदर तो बड़ा एक सिस्टमेटिकल एक प्रोसेस है, जो हमारा कॉर्पोरेट डिवीजन है उसमें हम स्टूडेंट्स को फ्रेश ग्रेजुएट्स को लेके आते हैं, हमारा मैनेजमेंट ट्रेनिंग किस पोजिशन में आते हैं, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एक साइकिल होता है इनरोलमेंट का जिसमें आप 1 से 1.5 साल जो है वो आप इंटरनल कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट देखते हैं, आपके सीनियर्स कस्टमर्स के पास ले जाते हैं, आपको ग्रूम करते हैं, तो ये सब होल प्रोसेस जो अच्छी और बड़ी कंपनी जो वेल डेवलप्ड हैं जिन्होंने ओवर अ टाइम पीरियड पूरी 10 से 12 साल इंडस्ट्री में गुजार ली है। मुझे ये पड़ता है कि इवन अगर मैंने 3 ISPs में काम किया है तो फ्रॉम साइबरनेट आई नो के वहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग वगैरह आते हैं, प्रॉपर उनका इंडक्शन प्रोसेस है, उनकी डेवलपमेंट का एक साइकिल है। इसी तरह PDCL के अंदर तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एक पूरा प्रोग्राम है, दे इंडक्ट ऑलमोस्ट अराउंड 800 डिफरेंट स्टूडेंट अक्रॉस पाकिस्तान, उनकी ट्रेनिंग साइकिल्स हैं, उनको डिफरेंट जोन्स और डिपार्टमेंट से भेजा जाता है। तो सेम लाइक कंपनीज डू दे नीड यू नो यंग ब्लड। टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी जो सिचुएशन है सारी, तो इसमें आप क्या देखते हैं, इसको भी आगे 5 सालों में आपको लगता है कि किस तरफ जा रही है? इट्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये कोविड जो है वो तो चले एक रीज़न है कि हमें घर में बिठाने का, वर्क फ्रॉम होम करने का, मगर एक्चुअली इट्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और अब इस वक्त इंटरनेट को मैं ये बोलता हूँ, इंटरनेट इज कंसिडर्ड टू बी अ नेसेसिटी फॉर एवरी नेशन, फॉर एवरीवन। तो जिस तरह इस इंडस्ट्री को बूम मिला है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पाकिस्तान की इंडस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट फ्लरिश इंडस्ट्रीज विद इन नो टाइम, तो इस तरह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो मेरे हिसाब से तो बड़ी बेहतर है। एंड फॉर ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन कंसिडरिंग के इंटरनेट इज द ओनली वे यू कैन कम्युनिकेट विद द होल वर्ल्ड, नाउ यू कैन कम्युनिकेट विद द होल मीन्स के फैमिली हो गई, आपके ऑफिस स्ट्रक्चर हो गई, जो लोग जिन्होंने बाहर जाना है, जिनकी स्पेसिफिक वर्क स्ट्रक्चर ऐसा है जिनको बाहर जाना है वो तो बाहर जाएंगे, मगर ऐसे लोग जो ऑफिस आते थे और ऑपरेशन जॉब करते थे, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी सिर्फ घर से आना, कंप्यूटर पर बैठना, काम करना और फिर कंप्यूटर से घर चले जाना, ये तमाम चीज़ें इंटरनेट से उनके घरों में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। फॉर दिस वी नीड अ फास्टेस्ट ब्रॉडबैंड, रिलायबल ब्रॉडबैंड, और उन चीज़ों के लिए डेफिनेटली पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज हैं जो कि अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, तो बूम डेफिनेटली इस इंडस्ट्री का है। बिल्कुल, तो आपको पाकिस्तान में कैसा लग रहा है, इसका कितना बूम है, होगा कि 5G की तरफ भी हम जा रहे हैं, और अगर इंटरनेट की तरफ देखें तो कितना टाइम लगेगा हमें लेवल तक आने के? तो पाकिस्तान के अंदर भी अभी इस वक्त टेक्नोलॉजी रिवाइव हो रही है, फॉर मेरे लिए इस वक्त 5G पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, तो रिक्वायरमेंट हमें सेल की जाती है, एक्चुअली वो हमारी रिक्वायरमेंट होती नहीं। इसी तरह पाकिस्तान में भी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट जो है वो मेरे हिसाब से 10 MB 20 MB रिलायबल सर्विसेज हैं,
जो अगर हम मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स को दे दें, मगर 5G की रिक्वायरमेंट मेरे अपने हिसाब से जो मेरी नाकिस नॉलेज है उसके हिसाब से 5G की रिक्वायरमेंट अभी पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा सही। उमर साहब मैं ये भी पूछना चाहूँगी आपसे कि जो जैसे नए नए बच्चे ग्रेजुएट करते हैं और फिर वो सोचते हैं कोई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारी जॉब लग जाए, तो एक वो जो टाइम पीरियड होता है तो उस चीज़ से किस तरह से निकला जा सकता है और थोड़ा सब्र किस तरह से किया जा सकता है? इंजीनियरिंग बेस है, आपको अपने आप को ओपन रखना है, आपको किसी फील्ड में भी जॉब मिले। देखिए मैंने तो ऐसे भी इंजीनियर देखे हैं जिन्होंने सीए किए और उन्होंने बाद में जो है वो आईएएस ऑडिट्स की फर्म्स में काम किया है और दे आर कंसीडर्ड टू बी द टॉप आईएएस ऑडिट्स ऑडिटर्स ऑफ पाकिस्तान। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। देखें जरूरी थोड़ा है कि ऑडिट फाइनेंशियल टर्म्स का हो, आईटी ऑडिट भी तो है, कैरियर इंजीनियरिंग के 2-3 साल बाद भी बन जाता है। इट टेक टाइम्स, आपको कई दफ़ा अपना ट्रैक चेंज करने पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट टाइम में आपने किसी इंडस्ट्री में आए, आपने काम किया, आपको पैसे अच्छे मिल रहे थे, क्या पता आपको सेटिस्फेक्शन ना मिल रही हो, साइकोलॉजिकल इशू, आपने कहा मुझे ये काम नहीं करना, फिर आपने किसी और काम भी किया। बहुत से लोग जो है वो एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, तो उन्होंने अपने आप को ओपन रखा, जहाँ उनको नजर आया कि पैसा मिल रहा है, जहाँ उनको नजर आया कि कैरियर में थोड़ा सा चांसेस हैं एंटर होने के, दे जंप इनटू इट रादर देन स्टॉपिंग देम सेल्फ कि जी मैं तो इंजीनियर हूँ मुझे तो करना ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो UIT के स्टूडेंट हो या किसी और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, एटलीस्ट इनको UIT का नाम जिस तरीके से आप लोगों ने नई सक्सेस स्टोरीज को दिया है, UIT का नाम वैसे उसकी अचीवमेंट्स और उसके अब जो के जितने स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट पोजीशंस वगैरह में अच्छी हों, जैसी भी वो जगह बैठे हैं, अब लोगों को UIT का नाम पता है। वरना हमें तो याद पड़ता है कि जब हम किसी को इंटरव्यू देने जाते थे तो हमें बहुत देर तक ये बताना पड़ता था कि UIT कहाँ लोकेट करती है। एटलीस्ट उस टाइम से ये टाइम अमेजिंगली बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और ये सारी जो है वो मुझे लगता है कि UIT की जो नई मैनेजमेंट है और जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं इन्होंने पिछले कुछ सालों में इतना काम किया है और ये एहसानमंद रहेंगे तमाम स्टूडेंट्स के। आपको एलुमनाई को अपने बिठाना पड़ता है, आपकी एलुमनाई हमेशा सपोर्ट करती है। बिल्कुल सर, उमर साहब आप जैसे कामयाब लोग हैं जो आज UIT का इतना बड़ा नाम भी बहुत अच्छी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, हम जब सक्सेस स्टोरीज डिस्कस करते हैं तो आइडिया होता है, और आप जैसे लोग ही हैं जो हमारे करंट स्टूडेंट्स को जो है वो सपोर्ट भी करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताते हैं, जॉब मार्केट के बारे में बताते हैं। आपने अभी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की थी तो मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि आप उसको भी डिफाइन करें। हमेशा फ्लुएंट को ये समझता हूँ कि वो वैसे हमें फ्लुएंट ना बोले बट वो जो वर्ड यूज करे उनकी पोजिशनिंग सही हो, मीन्स केस ऑफ कंपोजिशन उसकी बेहतर हो, उसकी राइटिंग पावर अच्छी होनी चाहिए और उसको ये पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को बोल्ड क्यों किया गया है, किसी चीज़ को कैपिटल में क्यों लिखा गया है, या ईमेल के अंदर हर किसी को सर नहीं लिखा जाता, साहब नहीं लिखा जाता, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। ये चीज़ें हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती और डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि ये कोर्स एक्चुअली कंपनी से उठ के आपकी ग्रेजुएशन साइकिल के अंदर आना चाहिए, क्योंकि आजकल ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है वो इतना टाइम नहीं है कि वो लोगों को अपने पास बिठाएं और तैयार करें। वो कहते हैं कि हमें बिल्कुल तैयार माल चाहिए और हम उनको बस अपने सिस्टम में डाल दें। मैं चाहूंगी कि लास्ट वर्ड्स जो हैं आप अपने ऐड करें यहाँ पर, कुछ गाइडलाइंस जो मजीद देना चाहें, कोई मशवरा जो नए स्टूडेंट्स के लिए आपका हो या पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स को आप देना चाहें। देखिए मैं एक चीज बोलूंगा कि होप जो है वो अपनी जो है वो कम ना करें हर चीज के लिए और पॉजिटिव रहें, और लिटरली आप होप मिस ना करें और इससे UIT में आप जाएं। UIT के ऐसे बहुत से वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो कि आपको डिफरेंट आपके सक्सेसफुल एलुमनाई से कनेक्ट कर सकते हैं। एलुमनाई की फॉर्मेशन का मकसद ही यही था कि जो लोग सक्सेसफुली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं उनके साथ वो स्टूडेंट्स जो कि डिजर्व करते हैं, उनका जो है वो एजुकेशन साइकिल भी अच्छा है, उनके साथ उनको कम्युनिकेट करा सकें। और मुझे ये लगता है कि ये चैनल को हम स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और मैं तमाम एलुमनाई को भी बोलता हूँ कि ज़्यादा चाहे वो मुल्क के बाहर बैठे हुए हों चाहे वो मुल्क के अंदर बैठे हुए हों, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की डिफरेंट ब्रांचेस पाकिस्तान में भी होती हैं, तो एलुमनाई की जो कमेटी है मैं उसको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि लोगों को कनेक्ट करवाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो HR शोज़ करवाएँ और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह पर अडॉप्ट करवाएँ। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस का सत्ता जारी है भी है और मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच उमर गिलानी साहब, बहुत अच्छा आज आपके साथ गुफ्तगू का एक सिलसिला रहा।
बड़ी अच्छी बात है कि हमने टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से भी आपने काफ़ी ज़्यादा गाइड किया स्टूडेंट्स को, और मज़ीद अगर उनके सवाल हुए तो वो हम आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोनिया। थैंक यू सो मच। एलुमनाई सक्सेस स्टोरीज का ये सिलसिला जारी रहेगा, इसी तरह हम यूआईटी के चमकते सितारे, कामयाब जो पर्सनैलिटीज हैं उनके साथ लाइव सेशंस का सिलसिला जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।